यहाँ पे एक ग्रेवी, अंगार पे सीधा रख दिए। तो अभी हम घर से निकल चुका है, सीधा जंगल पे पहुंच चुका है। और जंगल पे हम जो आज क्या करने आए हैं बोलने से, पत्ता और जंगली जो सब्जी होते हैं उसको थोड़ा तलाश करने आए हैं। मेरा घर पे जो पत्ता होते हैं, कम पत्ता खत्म हो गया है। एंड खाना वगैरह भी हम ब्रेकफास्ट चाय सिर्फ पी के है, कुछ खाया भी नहीं। खाना लेके आए बांध के, इसके बाद आगे पे कुछ सब्जियाँ मिलने से जंगल पे पका के खाएगा। चलिए अभी जंगली सब्जी और जो पत्ता है हमको जब चाहिए उसको आगे पे तलाश करते हैं। तो अभी हम नदी का किनारे पहुंच चुका है। एंड ये नदी का किनारे में कभी कभी जो इस तरह का पत्थरों के नीचे में क्रैब्स छोटा वाला छिपा रहते हैं, बड़ा वाला भी होता है। बट अभी विंटर है तो क्रैब्स मिलेगा नहीं मिलेगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। चेक करके तो ज़रूर देख सकते हैं। इस तरह गंदा पानी में इस तरह से हाथ डाल के देखना पड़ता है, तभी जाके कुछ पता लगेगा। नहीं क्या क्रेप्स, क्रेप्स दिख जाओ दिख जाओ। तो क्रेप्स तो नहीं मिले यहाँ पे, पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा है। लेकिन तो जैसा कि पत्ता का भंडार का बीच में हम पहुँच चुका है, आई थिंक कुछ दिन पहले कुछ लोग भी इसको कटने आया था लग रहा है। बट कोई नहीं, काफ़ी सारा अभी भी बचा हुआ है। सो अपने को ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा सा चाहिए, क्योंकि जब जंगलों पे पहाड़ों पे जाता है खाना वगैरह बांध के ले जाता है साथ में। एंड काफ़ी टाइम तक फ्रेश होके बैठता है खाना जो इसमें। तो हाँ फ्रेंड्स, अभी पत्ता को बांध चुका है। एंड यहाँ पे जंगली सब्जी दिख गया था हमको, काफ़ी भूख भी लगी है, सुबह नाश्ता नहीं किया ना अच्छे से, इसलिए ये देखो ये जंगली सब्जी है। अब इसको पका के खाना पड़ेगा। विंटर का ठंडा महीना है ना, ठंडा महीना में पत्ता सब्जी कुछ भी बहुत मुश्किल से मिलते हैं। बट फॉर्चुनेटली ये मिल गया हमको यहाँ पे, जंगलों के अंदर पे रहता है ये। एंड यहाँ पे आग भी जल चुका है अपना,
और ऊपर पैक करा के धूप भी आ चुका है। और यहाँ पे पत्ता और मेरा बैग और पानी बोतल वहाँ पे। तो अभी काफ़ी भूख भी लग चुका है अपने को भी, एंड आग वगैरह तो जल चुका है। तो अभी सब्जी जो लाया गया है घर से हम, एंड जो जंगल से थोड़ा बहुत सब्जी मिले उसको यहाँ पे पका देगा और खाना तो लेके आया ही है, इसके बाद खा लेगा, देन थोड़ा एनर्जी बटोर लेगा। फिलहाल मेरा एनर्जी भी थोड़ा लो हो गया है भूख का वजह से। यहाँ पे मेरा चूल्हा, देन कढ़ाई को यहाँ पे सेट कर देगा। तो अभी गाइस ये देखो, तो ये है मेरा आज का लंच। ये सार्डिन की फिस्टिन का डब्बा है, तो इसको अभी पकाएगा यहाँ पे। ऑयल डाल दिया जाएगा थोड़ा सा। कैन फिश का एक फ़ायदा है कि टमाटर एक बार यहाँ पे ग्रेवी बनने का, उसको ढालने का ज़्यादा देर इंतज़ार करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पक जाएगा। और हाँ, यहाँ पे मेरा सब्जी इस तरह से अंगार पे सीधा रख दिए, इसको हल्का से निकालना पड़ेगा। वाह, पत्ता अंदर सब्जी नहीं जलाए क्योंकि इसमें हम बहुत सारा लेयरिंग किया था ना, इस वजह से अंदर सेफ्टी के साथ पका होगा। ओह ये देखो गाइस, गर्मा गर्म बढ़िया से पक चुका है, देखा है किस तरह से पक गया है। एंड यहाँ पे है सब्जी, ये बढ़िया दिख रहा है, ग्रेवी के साथ पक चुका है, आग भी भुज चुका है। तो फ्रेंड्स ये रहा अपना खाना, एंड इसको अभी इस तरह से खोल देगा सब्जी परोसे। यहाँ पे है लजीदार खाना, एक किंग चिली है, पत्ता सब्जी, ये बहुत बढ़िया होगा। ये रहा, वाह। तो दोस्तों अभी फाइनली अपना खाना यहाँ पे रेडी हो चुका है, एकदम रेड रेड वाला किंग चिली। यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल पत्ता का अंदर पत्ता सब्जी को पकाए, एंड यहाँ पे है मेरा कैन फिश। वाह,
किंग चिली बहुत ज़्यादा होता है यहाँ का किंग चिली। वाह क्या कमाल है। यहाँ पे है ग्रेवी एंड यहाँ पे अभी हम ग्रेवी ऐड कर चुके हैं, अभी खाने और मजा होगा। वाह पत्ता सब्जी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि अभी जंगल से खाना वगैरह खा के अपन भी निकाल चुका है एंड घर की ओर अभी बढ़ रहे हैं। तो ये रहा मेरा आज का पत्ता एंड पेट भर के खा चुका है खाना वगैरह एंड धूप पीछे में अभी भी है, मतलब आज थोड़ा जल्दी घर निकाल रहे हैं अपने लिए, लेकिन अच्छा बात है क्योंकि घर में थोड़ा बहुत जो काम है उसको जाके कर पाएगा। और जैसे कि आज का ब्लॉग को यहाँ पे एंड करेगा, तो ढेर सारा और भी मज़ेदार ब्लॉग्स के लिए कोई नया होने से चैनल पे सब्सक्राइब कर लेना है। तो हाँ, अभी सीधा आने वाला ब्लॉग पे मिलेगा सभी को। तो गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।